नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूँ साक्षी सानी। इस समय की अगर बात की जाए, आप लोगों ने कैप्शन तो पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि जिस प्रकार कैप्शन में लिखा गया है कि ऑल जम्मू में रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने अपनी स्ट्राइक को, यानी कि जो लगातार ये लोग सत्याग्रह चला रहे थे 290 दिन से, ये सत्याग्रह जो है वो लगातार चल रहा था, और 290 दिन सत्याग्रह चलने के बाद अब ये सत्याग्रह सस्पेंड हो रहा है। क्यों, किस लिए, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कि आप जरा बताएं कि क्यों सस्पेंड किया जा रहा है इसे आज। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी मैम आपका। तो मैम, जैसे कि आज रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉई एसोसिएशन की मैं प्रेजिडेंट थी और हमारे जितने भी लीडिंग मेंबर थे, तो हम सब ने ये मिलकर एक डिसीजन लिया है कि हम इस प्रोटेस्ट को सस्पेंड करेंगे कुछ समय के लिए, ताकि हमारी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के साथ हमारी ये नेगोशिएशन हुई है, हर किसी ने हमें यही कहा है कि जो प्रोटेस्ट है ये किसी समस्या का समाधान नहीं होता, और हम उम्मीद करते हैं अगर यहाँ से हम उठकर जा रहे हैं तो हमारी जो छोटी छोटी ग्रीवेंसीज है, चाहे वो एकोमोडेशन है, सिक्योरिटी है, सेफर जोन है, वो हमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे। धन्यवाद। तो क्या लगता है कि कितनी जल्दी, मतलब ये चीजें जो हैं, ये जो मैटर्स हैं, वो सॉल्व हो सकते हैं? हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी सॉल्व होने चाहिए। अब जैसे ही हमने प्रोटेस्ट अगर अपना ये सस्पेंड किया है, तो हमारी जो छोटी छोटी ग्रीवेंसीज है, इसको तो जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को। पर लेकिन जिस प्रकार देखा जा रहा था अंजना जी, क्योंकि आपने खुद भी कहा था कि ये हमारी जो लड़ाई है ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, आज आप इन सब लड़ाइयों को छोटे छोटे ग्रीवेंसीज का नाम दे रही हैं, क्यों? लड़ाई हमारी आज भी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर है, लेकिन अब हम उस लड़ाई को एडमिनिस्ट्रेटिव वे से लड़ेंगे, क्योंकि हम प्रशासन का हिस्सा हैं, और जो हमारी छोटी छोटी ग्रीवेंसी, क्योंकि हमने कभी ये नहीं कहा हम कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे, लेकिन अब हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कब तक मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि G20 आ रहा है, राष्ट्रीय की गरिमा की बात है, इस तरह से धरना चलता रहेगा अच्छा नहीं लगेगा। तो हम चाहते हैं कि हम अब अपनी ड्यूटी रिज्यूम करेंगे, और हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो उन समस्याओं पर जल्दी से जल्दी गौर फरमाया जाएगा। और ट्रांसफर पॉलिसी के लिए तो सब खुद वचनबद्ध है, उन्होंने 26 जनवरी को इतना बड़ा बयान दिया कि मैंने जो जम्मू बेस्ड भाई बहनों से वादा किया, मैं वो वादा पूरा करूंगा। हम उम्मीद करते हैं कि बहन को श्रद्धांजलि दिवस आ रहा है, उस दिन ही हमारी ट्रांसफर पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देंगे। तो 31 मई के आसपास आपको लगता है कि ट्रांसफर पॉलिसी आ सकती है? मैं देखिए, उस चीज के लिए मैं ये कोई कंडीशन नहीं रख रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि LG सर उस दिन श्रद्धांजलि के रूप में एक ट्रांसफर पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जिस प्रकार आपने सुना इनका कहना है कि जिस प्रकार से G20 की भी बात इन्होंने की, और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं और कुछ नहीं, बस राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए ये लोग अपने इस सत्याग्रह को खत्म नहीं कर रहे हैं, इसे थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, और हम जरा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। सर, आज देखा जा रहा है कि, क्योंकि आप लोगों ने खुद कहा था कि ये सत्याग्रह तभी थमेगा जब ट्रांसफर पॉलिसी आएगी हमारे हाथ में, पर लेकिन अभी ट्रांसफर पॉलिसी आई तो नहीं है, पर लेकिन आज ये सत्याग्रह थम गया है, रुक गया है, या फिर सिर्फ थोड़ी देर के लिए कॉमा लगाया गया? नहीं, इसको अभी थोड़ी देर के लिए जो है सस्पेंड किया गया है, क्योंकि हमने पहले बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी बातचीत चल रही है, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई, एडवाइजर साहब से बात हुई, डिफकॉफ जम्मू से बात हुई, डिफकॉफ कश्मीर से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप भी प्रशासन का हिस्सा, हम भी प्रशासन का हिस्सा है, तो हमें मिलकर बैठकर बातचीत करनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि जो आपका मसला है उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी एक कदम पीछे हटना होगा, आपको ये धरना जो है थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करना होगा और प्रशासन का सहयोग करना होगा, और इसी के लिए, क्योंकि हम प्रशासन का हिस्सा होते हुए हमने ये तय किया है कि हम कुछ समय के लिए इस पर विराम लगाएंगे, और जो प्रशासन जो हमारे साथ वादा किया है, या जो हमने LG साहब ने जो हमसे वादा किया है, उसको जल्द से जल्द वो पूरा करें, ताकि हम और ज्यादा तरीके से और अच्छे तरीके से अपने जो जिम्मेवारी है वो निभा सके और समाज देश की सेवा कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मैं कुलदीप जी से जरा बातचीत करने का प्रयास करूंगी। तो कुलदीप जी, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि जब लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी 3 दिन पहले, तो पता चला था कि एक नया थ्रेट लेटर जो है वो निकाला गया था, कहीं वो थ्रेट लेटर ही तो वो रीजन नहीं है जिसकी वजह से आप आज इस अपने सत्याग्रह को सस्पेंड करने का सोच रहे हैं, या फिर सस्पेंड कर चुके हैं? नहीं, वो थ्रेट लेटर का वो रीजन नहीं है। थ्रेट लेटर जो है आप देख रहे हो, मीडिया के भाई बंधु जानते हो कि ये पिछले साल जो आते ही जा रहे हैं, लेकिन अब ये सरकार का फर्ज बनता है, जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि जो ये थ्रेट लेटर जो है ये जारी कर रही है, उस पर जल्द से जल्द जो है अंकुश लगना चाहिए। जी,
क्या लगता है कि अब हो जाएगा ट्रांसफर पॉलिसी, जल्दी मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? क्योंकि देखिए ऑलरेडी आप लोग पिछले साल से प्रयास कर रहे थे कि ट्रांसफर पॉलिसी आप लोगों को मिल जाए, और आपने खुद भी कहा था कि ये सत्याग्रह अब तभी थमेगा जब ट्रांसफर पॉलिसी हाथ में आ जाएगी। तो ऐसी क्या मजबूरी होगी कि आप लोगों को ड्यूटीज वापस ज्वाइन करनी पड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बहन, आपने सही कहा कि हमने जो है कहा तभी रुकेगी जब हमारे हक में जो है सूटेबल कंप्रेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। लेकिन हाल ही में जो एलजी साहब ने कहा था कि मेरे दरवाजे सबके लिए खुले बातचीत के लिए, तो उनके कहने पर जो है हमारी मुलाकात बहुत से टॉप जो ऑफिशियल हैं यूटी के चीफ सेक्रेटरी साहब, एडवाइजर साहब, डी कॉम कश्मीर, डी कॉम जम्मू, उनके साथ मुलाकात हुई। उनका कहना था कि सरकार जो है आपकी तरफ 10 कदम दे रही, आप एक भी कदम देने के लिए तैयार नहीं है, तो बात ऐसे आगे कैसे बढ़ेगी? में आइएगा, हम आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी अकोमोडेशन की उसका इंतजाम, और जो ट्रांसफर पॉलिसी को लेके कमिटेड है उसको जो है लागू किया जाएगा। वो हमारे पास नहीं है ना आपके पास है, प्रोसेस में आना पड़ेगा। और इस वक्त जो है डायलॉग प्रोसेस, हम डायलॉग प्रोसेस में, इसीलिए कल जितने भी प्रोटेस्टर थे और जम्मू बेस्ड रिजर्व कमेटी डोगरा प्लस, हमने ये मिलकर ये निर्णय लिया कि आज जो है हम इस अपने सत्याग्रह को विराम देंगे, बिकॉज वी आर इन डायलॉग प्रोसेस। और जब तक डायलॉग प्रोसेस में आप ही जो है आपके पास ही पहले इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, आप भी सरकार से पूछेगा कि कब तक इनकी ट्रांसफर पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, तो मेहरबानी करके इसने अभी बोला कि हम इसे विराम देंगे, क्या ये अल्प विराम है यानी कॉमा है या फिर पूर्ण विराम है यानी कि फुल स्टॉप है? नहीं नहीं, ये अल्प विराम है, कॉमा है ये, ठीक है, ये काम है कि जब तक डायलॉग प्रोसेस में। और आप डायलॉग प्रोसेस की बात कर रहे थे, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि मैं जानती हूँ आपने और भी मीडिया बाइट्स देनी है, तो मैं आपसे यही जाते जाते जानना चाहूंगी कि आप जिस डायलॉग प्रोसेस की बात कर रहे थे, क्या कोई एक डेट फिक्स की गई है उस डायलॉग के दिन के लिए? देखिए ये एक प्रोसेस होता है, जैसे हमारा जो डीसी साहब से ये प्रोसेस शुरू हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, फिर डी कॉम कश्मीर, उसके बाद जो डी कॉम जो है इसके बाद डी कॉम कश्मीर के बाद जो हम जो है चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ चले गए, आप एडवाइजर साहब के उसके बाद चले गए, अब हमारी मुलाकात, हमें पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब से जल्द हो जाएगी। और आपके फाइनेंसिस क्या ठीक चल रहे थे? ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंसिस के दबाव में आकर भी आप लोगों ने, क्योंकि जब कश्मीरी पंडित से बात हुई थी तो उन सबका कहना था कि वो कहीं ना कहीं फाइनेंसिस कम होने की वजह से भी इस दबाव में आकर वो लोग ड्यूटीज ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं नहीं, फाइनेंसिस का दबाव नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते दबाव नहीं, दबाव भी है, लेकिन हमारा समाज अभी डोगरा समाज वो जिंदा है, वो शाना बशाना हमारे साथ खड़ा है। और सरकार ने ये कह दिया कि जो भी आपकी 8 महीने की 9 महीने की जो एरियर्स हैं उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा, वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की इंतजाम किए जाएंगे। और इसीलिए आपके माध्यम से जो है मैं ड्यू कॉम कश्मीर जो है उनसे निवेदन करता हूँ कि बहुत जल्द जो हम मास जानी देने जा रहे हैं आपके आपस में, मेहरबानी करके हमारे लिए सेफ्टी सिक्योरिटी और अकोमोडेशन के इंतजाम किए जाए। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए आज मेरे हाथ में डायरी और पन है, तो हिंदुस्तान की जनता को यही पैगाम देना चाहते हैं कि पढ़िए, पढ़ाइए, उठाइए और देश को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप जी, जिनका कहना है कि और कुछ नहीं बल्कि राष्ट्र के हित के लिए ये लोग दोबारा से अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करेंगे। अब देखना ये है कि क्या उस डायलॉग प्रोसेस की जिसकी बात कर रहे हैं वो डायलॉग प्रोसेस की वजह से क्या इन्हें ट्रांसफर पॉलिसी जल्द से जल्द मिलती है, सवाल निशान तो बनता है। तब तक के लिए आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा। क्या वो एम्प्लॉयज जिनको ऑलरेडी लगता है कि वो कश्मीर में सेफ नहीं है, क्या उन्हें अपनी ड्यूटीज वापस ज्वाइन करनी चाहिए कश्मीर में? आपकी राय हमारे लिए सर्वोपरि है, ये कमेंट करना आपका फर्ज भी है और अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए जम्मू लद्दाख विजन, साक्षी सानी की रिपोर्ट। नमस्कार।